कर्क राशि की बात करते हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा? तो सूर्य आपकी राशि से छठे भाव के अंदर विचरण करेंगे, जो कि मिला जुला फल प्रदान करेंगे। नो डाउट लक फैक्टर में आपको हर्डल्स दिखेगी, रुकावटें दिखेंगी, भाग्य आज सुबह अच्छा तो शाम को खराब, देयर विल बी सम फ्लक्चुएशन इन द लक फैक्टर। लेकिन आपके द्वारा किए गए हार्ड वर्क का, मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। 100% मेहनत तो 100% फल, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी वाले जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक हैं, नौकरी वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको नौकरी के अंदर प्रमोशन की संभावना है, तरक्की की संभावना है, तनख्वाह बढ़ सकती है। वही जो बिजनेसमैन वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको लाभ मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है बिजनेस में। आपकी जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसमें वृद्धि होगी। रक्त संबंधी विकार, खून से संबंधित बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी लेन देन का मैटर हो, पैसों का ट्रांसफर का मैटर हो, इट शुड बी वेरी केयरफुल, सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करना है, उपाय एक बात जान लेते हैं। आपके आसपास में कोई अनाथाश्रम हो, अनाथाश्रम भी ऐसा हो जहां बच्चे हो, छोटे छोटे, जिन्हें मां बाप ने पैदा करके छोड़ दिया हो, तो बच्चों के अनाथाश्रम में चले जाइए। वहां जाकर अपने वजन के बराबर, जितना आपका वेट है उस वेट के बराबर गेहूं के आटे का दान करके आ जाइए। 70 किलो आपका वजन है तो 70 किलो गेहूं का आटा ले जाके बच्चों के अनाथाश्रम में जाके दान करके आ जाइए। देखिए सूर्य किस तरीके से आपको लाभ देता है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस समय के दौरान भगवान सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में, पांचवें भाव में संचार करेंगे। हाँ, संतान पक्ष को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनकी सेहत को लेकर कुछ चिंता बन सकती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। वर्किंग सेक्टर की अगर बात करूं, कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं, तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चांसेस फॉर यू फॉर ग्रोथ। आने वाले 2 महीने हैं, तनख्वाह बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी मिलने की भी संभावना है। व्यापार के लिहाज से अच्छा समय रहेगा, लाभ रहेगा। हाँ, सेहत के प्रति आपको सावधानी रखनी है, अस्थमा जैसी जो बीमारी है उनसे बचना है, आमदनी अच्छी रहेगी। हाँ, एक इनकम का एक बड़ा हिस्सा घूमने फिरने, मौज मस्ती, ईयर एंडिंग है तो हो सकता है आप प्रोग्राम बना ले घूमने के लिए, तो उसमें खर्च भी हो सकता है। उपाय क्या करना है, सूर्य चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, ऐसे में फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। साथ ही साथ साथ वर्किंग सेक्टर के लिहाज से बात करें तो जो हमारे नौकरी पेशा जो दर्शक हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको वर्किंग सेक्टर के अंदर सफलता मिल सकती, उन्नति मिल सकती, प्रमोशन मिल सकता है। और जो हमारे बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक हैं, उनका व्यापार जो है वो लाभ ही लाभ देने वाला रहेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, अच्छे सौदे मिलने की संभावना है, विदेश यात्रा की भी संभावना दिखती है। विशेष बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने विचारों से समझौता नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, कई बार हम अडामेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम ही सही हैं, तो हमारी जो ये अडामेंसी की जो प्रवृत्ति है, जो हमारे पर्सनल विचार है उनके साथ में समझौता नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, इट कैन बी कॉज ऑफ मेजर डिस्कशन, विवाद का एक बड़ा कारण बन सकती है।
पर्सनल मैटर्स में भी रिलेशंस का पूरा ध्यान रखें। जबरदस्ती अपनी सोच दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करें कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा आपको भी सोचना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करें? रविवार के दिन वैसलीन क्रीम आती है, ये जो अपने पांव की एड़ियां वगैरह, ये पांव सर्दी में जो फट जाते हैं हाथ पांव, तो उसके लिए क्रीम आती है। क्या करिएगा, उस जितनी आपकी श्रद्धा हो 11, 21, 51, 100 पीस क्रीम के लेके वृद्धाश्रम में चले जाइएगा, जहां बूढ़े मां बाप को छोड़ दिया गया है, वृद्धाश्रम में चले जाइएगा, वहां जाकर उन बड़े बुजुर्गों को एक एक क्रीम की डिब्बी दे दीजिएगा, ताकि सर्दी में उनके पांव नहीं फटे। इतना सा कर देंगे तो सूर्य आपको बहुत शुभ